नमस्ते साथियों, आज हम साला दर्पण की एक नए मॉड्यूल या एक नए ऐप के विषय में बात करेंगे। इस ऐप से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है साला दर्पण शिक्षक। हमें सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले वो क्या मांगता है, स्टाफ आईडी और उसके बाद में कैप्चा। कैप्चा आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद जैसे मैं अपने स्टाफ आईडी यहाँ लिखे, कैप्चा लगा दिया हमने 3143, लॉगिन किया। अब ये स्टाफ आईडी आ रही है, यदि ये ठीक है तो अलग बात है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने इस नंबर पर एक ओटीपी भेजी है, उसका इंद्राज करें। देखते हैं क्या ओटीपी आई है। 7807 यहाँ लिखेंगे हम, 7807 लिखा, ओटीपी सबमिट की। ओटीपी सबमिट करने के बाद में यहाँ कई सारी डिटेल हैं, वे ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने पिन जनरेट करने हैं और उसे पिन को कन्फर्म करना है। यहाँ पिन जनरेट कर लेते हैं। पिन जनरेट होने के बाद में कार्मिक की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ डेट आ गई। इस डेट में आप अपनी उपस्थिति और अपनी कक्षा की उपस्थिति कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कर की जा सकती है। जैसे 12वीं A की उपस्थिति मैंने दर्ज कर दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे। इसके अलावा बैक बटन, विद्यार्थियों की उपस्थिति देख सकते हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति की हिस्ट्री देख सकते हैं और अवकाश हेतु आवेदन भी कर सकते हैं। हम CL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, छुट्टी का कारण चुने, जैसे हमने चुन लिया, आगे बढ़ें, फिर छुट्टी का प्रकार जैसे CL, आगे बढ़ें। उसके बाद में जो चीज़ें हम साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से किया करते थे वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं बाकायदा। एक और चीज़, यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं। यदि ये गलत है तो आप दोबारा करें। सेटिंग में हम देख सकते हैं कि यदि आपकी कक्षा अध्यापक की मैपिंग बदल दी गई है या ये काम नहीं कर रहा तो रिफ्रेश कर लें। विद्यार्थियों की सूची ऐप में सही नहीं आ रही है तो रिफ्रेश करें और ऐप का लॉगिन पिन भी बदलते रहें। ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो कि यहाँ से हम इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। नीचे से लिखा हुआ है। इसके अलावा हम अपनी खुद की प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, अपने क्लास की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं और अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें तो ये कक्षा हो गई, ये आज की देखनी थी हमें, तो ये सभी बच्चों के नाम आ रहे हैं और उनकी जो प्रेजेंट है उन सभी बच्चों के नाम आ रहे हैं, जो अब्सेंट है उन बच्चों के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल प्ले से का जो लिंक है वो लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको संभाल कर रखें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।